सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने एमएस एक्सेल में जो है डेटा एंट्री सीख सकते हैं। मैंने दोस्तों जीरो से एडवांस लेवल तक इस वीडियो में आपको जो कुछ भी बनता है दोस्तों एमएस एक्सेल में वो सब कुछ बताया है। तो दोस्तों वास्तव में अगर आप डेटा एंट्री सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए। देखिएगा बिना स्किप किए आप देखते हैं तो डेटा एंट्री दोस्तों मैं 100% कह सकता हूँ कि आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों मैं जीरो से एडवांस लेवल तक बताने वाला हूं, तो मैं दोस्तों इस तरीके से बताने वाला हूं कि आपको मतलब कुछ भी नहीं आता है। अगर दोस्तों आपको कुछ भी आता है तो उसे अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा एंट्री किस तरह से की जाती है, एडवांस लेवल तक बताने वाला हूँ। तो मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि आपको अपना एमएस एक्सेल जो है किस तरह से ओपन करना है। उसके लिए दोस्तों आपको जो है स्टार्ट बार पे जाना है। यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको एमएस एक्सेल मिल जाएगा, नहीं तो दोस्तों आपको ऑल प्रोग्राम में जाना है। और यहाँ से दोस्तों ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जितना भी दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको अपना एमएस एक्सेल जो है ओपन कर लेना है। अगर दोस्तों इस तरह से आप एक्सेल को ओपन नहीं करना चाहते हैं तो सेकंड तरीका है दोस्तों कि आप अपने कीबोर्ड पर विंडो के साथ आर प्रेस कीजिए। उसके बाद दोस्तों इस तरह का एक छोटा सा रन कमांड ओपन हो जाता है जहां पर दोस्तों आपको एक्सेल टाइप कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप एक्सेल टाइप करेंगे और ओके करेंगे तो आपका जो एक्सेल है ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से भी दोस्तों आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो थर्ड तरीका है वो ये है दोस्तों कि आप स्टार्ट बार में जाएंगे, यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक सर्च बॉक्स मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर भी दोस्तों एक्सेल टाइप करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सेल टाइप करना है और यहाँ से भी दोस्तों आप एक्सेल ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों कई तरीके हैं एक्सेल को ओपन करने का। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप अपने एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो दयावी ट्यूटोरियल चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की इस एक्सेल की वीडियो में मैं दोस्तों इसको मूवी कहूँगा, क्योंकि दोस्तों ये एक घंटे से ऊपर की वीडियो है तो ये पूरी मूवी है। तो इसे मूवी को देखने के बाद आपसे एमएस एक्सेल में दोस्तों डेटा एंट्री सीखते हैं तो आपसे कुछ भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जब आप अपना एमएस एक्सेल ओपन कर लेते हैं तो इस तरह का दोस्तों आपको अपना जो एमएस एक्सेल है उसका इंटरफेस दिखाई देता है। तो इसमें दोस्तों हम जीरो से जो है डेटा एंट्री सीखने वाले हैं तो मुझे सब कुछ आपको बताना जायज है, तो मैं सब कुछ बताऊँगा आपको एक्सेल में किस तरह से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, जो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो आप अपना एमएस एक्सेल ओपन करेंगे तो इस तरह से दोस्तों जो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दोस्तों जो भी है जैसे आपको यहाँ पर जो भी यहाँ पर डब्बा सा जो भी बॉक्स है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसको दोस्तों हम सेल बोलते हैं और दोस्तों इनको हम ब्लैंक सेल बोलते हैं। सेल हैं इनमें जो यहाँ पर लाइन सी दिखाई दे रही हैं वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होती हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस पर बॉर्डर लगाना होता है, यानी जो भी एरिया है आप जिसमें डेटा टाइप करेंगे उसको इस तरह से दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसमें बॉर्डर लगाना पड़ता है, तब दोस्तों आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर शो होंगी। तो मैं इसको दोस्तों फिलहाल अंडू करता हूँ। और दोस्तों सबसे पहले आपको जो ब्लैंक शीट है इसको हम शीट बोलते हैं। एमएस एक्सेल में जितनी शीट चाहें आप ले सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं शीट 1, शीट 2 या शीट 3 यहाँ पर पहले से ही रहती हैं, लेकिन अगर आपको कोई और शीट यहाँ पर लेनी है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इंसर्ट पर जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे तो कई सारी और भी शीट आप ले सकते हैं। और दोस्तों रो एंड कॉलम अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों रो और कॉलम होते हैं, उनको आपका विशेष ध्यान रखना है कि दोस्तों रो और कॉलम किसे कहते हैं। तो रो के लिए दोस्तों आप यहाँ पर जो नंबरिंग देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी लिखा हुआ है जो नंबरिंग है दोस्तों इसको दोस्तों हम जो है रो बोलते हैं। एंड दोस्तों अगर आपको कॉलम की बात करें तो दोस्तों जो कॉलम है वो जो ABCD लिखा हुआ है जैसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ इसको दोस्तों हम जो है कॉलम बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इस कॉलम की अगर बात करें तो अगर आप इस तरह से जो है आगे क्लिक करते जाएंगे तो ये कॉलम आगे चलते जाएंगे, इनका दोस्तों एंड नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारे जो रो एंड कॉलम हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर दोस्तों आप रो देखना चाहते हैं अपने एक्सेल में तो आपको कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की दबानी है। तो यहाँ पर जो 10,48,576 हैं यहाँ पर जो आपके रो हैं यहाँ पर लिखकर आ जाते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम जो है सबसे लास्ट वाले रो में हैं। तो सबसे लास्ट वाले रो में दोस्तों आपको कैसे दिखाई देगा, वैसे तो यहाँ पर दोस्तों लिखा रहता है
लेकिन अगर दोस्तों आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों होता है आपका जो नेम बॉक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप किस रो में है एंड किस कॉलम में है। तो जो बी बाई यहाँ पर जो हमारा कॉलम है और जो 10,48,576 वह हमारा रो है। तो जहाँ पर भी दोस्तों आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में शो होगा। और दोस्तों यहाँ सेल में जो कुछ भी आप जैसे टाइप करेंगे, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, तो जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। तो इतनी जानकारी दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आपको सबसे पहले ऊपर जाना होता है पहली रो में और पहले कॉलम में, तो आपको कंट्रोल के साथ जो है ऊपर वाला जो एरो होता है उसको दबाना है तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो जो है आपको फर्स्ट रो में पहुंच जाते हैं। तो इस सेल का नाम है दोस्तों A1, यहाँ पर आपको दिखाई दिया होगा क्योंकि दोस्तों ये ए वाले जो है कॉलम में है और जो वन वाला जो है रो है, तो पहली सेल में है दोस्तों। तो वहाँ जिसका नाम है A1, तो जो कुछ भी दोस्तों यहाँ पर आपको जिस भी सेल में यहाँ पर क्लिक करेंगे वो यहाँ पर आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। जो भी डेटा दोस्तों आपको एक्सेल में टाइप करना रहेगा वो इसी शीट पर दोस्तों आपको टाइप करना होगा। तो जो डेटा होता है दोस्तों आपको कहीं से भी जैसे आप अप्लाई करेंगे कहीं पर भी दोस्तों जो आपको डेटा एंट्री के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपको डेटा दिया जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने ये डेटा आपके सामने लिखा है, तो इस तरह का जो डेटा है आपको दिया जाएगा। तो जो डेटा है आपको इसी तरह से देख देख के लिखना है। दोस्तों किस तरह से आप डेटा को एंटर करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसी को अच्छे से समझ लेना है। अगर कोई भी डेटा जैसे दोस्तों आप यहाँ पर एंटर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डेटा लिखता हूँ, आप इसको एंटर करते हैं, आपको थोड़ा इसको बड़ा करना है तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों आप राइट साइड में देखेंगे तो जूम इन एंड जूम आउट के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो इस तरह से आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो बेसिकली दोस्तों जो है 100 पर रहता है, लेकिन अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो डेटा एंट्री है वो किस तरह से आप करेंगे, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको डेटा एंट्री करना है तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है सीरियल नंबर लिखना है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, मैं आपको एक और यहाँ पर प्रॉब्लम बता देता हूँ कि कभी कभी ये होता है दोस्तों यहाँ पर जो रिबन है ये शो नहीं होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करूँगा तो ये रिबन यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर जो सेल है इसमें क्लिक कर देता हूँ तो ये रिबन यहाँ से गायब हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह की अगर आपको एक्सेल में कोई भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 दबाना है तो जो रिबन है यहाँ पर शो होने लगता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आप कहीं पर आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से रिबन गायब नहीं होता है। तो इस तरह की जो छोटी मोटी दोस्तों बेसिक जानकारी है आपको पहले से ही ले लेनी है। इसके बाद दोस्तों इसको बोलते हैं हम होम टैब, इंसर्ट टैब, इसको दोस्तों हम जो भी टैब है इनको बोलते हैं। तो इनका टैब का जो दोस्तों ब्यौरा है यहाँ पर आपको दिखाई देता है जो रिबन बोलते हैं दोस्तों हम। तो जब दोस्तों आप होम टैब पर क्लिक करेंगे तो होम टैब के सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे, लेकिन आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो इंसर्ट टैब के जो भी ऑप्शन है यहाँ पर ओपन होंगे। तो जिस भी टैब पर आप क्लिक करेंगे उसी के ऑप्शन आपको यहाँ पर रिबन में शो होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो भी यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे तो आपको इनको बहुत सारी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब दोस्तों डेटा एंट्री के लिए आपको हार्ड कॉपी से जो है सॉफ्ट कॉपी में टाइप करना होता है, तो वो दोस्तों आप किस तरह से करेंगे तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा जो डेटा एंट्री का वर्क है यहाँ पर करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद दोस्तों आपको टैब दबाना है या फिर आपको जो है राइट एरो की दबा देनी है जिससे दोस्तों आप आगे वाली सेल्स में पहुँच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है नेम, उसके बाद टैब दबाना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना है फादर्स नेम। तो मैं जो डेटा है यहाँ पर जल्दी से टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से जो भी डेटा है दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जो फादर्स नेम लिखा हुआ है ये प्रॉपर एक सेल में नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आप फादर्स नेम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में यहाँ पर जो फादर्स नेम है प्रॉपर लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों इस सेल में इसका जो साइज है इसका जो फॉन्ट है वो ज़्यादा है जिससे दोस्तों ये आगे वाले जो सेल है उसमें पहुँच रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से हटा देना है। जैसे दोस्तों जो सेल है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कॉलम पर सी एंड डी वाले कॉलम के बीच में तो आपके जो माउस का साइन है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको पकड़ के इसको राइट की साइड जैसे खींचेंगे तो इसका जो साइज है सेल का बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो भी नाम है आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई ना दे तो आप इस तरह से उसको पकड़ कर खींच सकते हैं।
लेकिन दोस्तों अगर ज़्यादा डेटा है आपके पास, मान लीजिए यहाँ पर तुम्हारे पास थोड़ा सा डेटा है, 4 या 5 नाम यहाँ पर मैंने टाइप किए हुए हैं, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा डेटा रहता है तो आपको इस तरह से नहीं करना है। चाहे तो दोस्तों आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको कहीं पर भी क्लिक करना है और कंट्रोल ए से दोस्तों इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप कॉलम के बीच में अपना माउस लेके जाएंगे तो उसके बाद डबल क्लिक कर देना है, तो जो भी दोस्तों यहाँ पर डेटा टाइप होगा वो यहाँ से ऑटो एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा सीरियल नंबर यानी जो नेम है, यहाँ पर जो डेफिनेशन हमने लिखी है, इसको हम दोस्तों कलर दे देते हैं। तो कलर देने के लिए दोस्तों आपको होम टैब पर क्लिक करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर फिल का ऑप्शन मिल जाएगा, फिल कलर से दोस्तों यहाँ पर एक कलर दे दीजिए। तो मैंने इसको कलर दे दिया है। और दोस्तों जो आपकी हेडिंग ऊपर लिखी रहती है इसको आपको बोल्ड भी कर देना है, तो दोस्तों यहाँ से आप बोल्ड भी कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसको बोल्ड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो सीरियल नंबर है हमें लिखना है, तो सीरियल नंबर दोस्तों होता है 1, 2, 3, 4 जो भी होता है, तो हम दोस्तों यहाँ पर 1 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे और 2 लिखेंगे एंटर दबाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप सीरियल नंबर लिखते हैं तो आपको बहुत सारा जो है टाइम लग जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपको सीरियल नंबर यहाँ से 1, 2 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 100 सीरियल नंबर लिखना है या फिर जो 200 सीरियल नंबर लिखना है, तो आपको इस तरह से दोस्तों काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको 1, 2 टाइप करना है और इन दोनों को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका माउस है इस तरह से दोस्तों कॉर्नर पर लेके जाएंगे तो जो इसका साइन है वो चेंज हो जाता है। तो साइन चेंज होने के बाद दोस्तों आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जितना आप नीचे पकड़ के खींचेंगे, जितना भी आपको यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करना है उतना पकड़ कर आपको खींच देना है। तो जैसे दोस्तों आप पकड़ कर खींच देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सीरियल नंबर है ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है टाइप हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप टाइप कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पर 1, 2 टाइप करना है, यहाँ पर ओनली 1 टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको होम टैब पर क्लिक करके रखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में फिल का, तो इस फिल वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो सीरीज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कॉलम पर सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो सीरियल नंबर लिखा है वो इस तरह से जो कॉलम है इसमें लिखा है, इसमें दोस्तों हमको लिखना है। तो इस तरह से कॉलम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों स्टेप वैल्यू में यहाँ पर आपको 1 लिखा रहने देना है, क्योंकि जो यहाँ पर 1 लिखा है वही इसको ऑटोमेटिक इसको ले लेता है। उसके बाद जो स्टॉप वैल्यू है इसमें आपको लिखना है जो आपका सीरियल नंबर है एंड कहाँ पर होने वाला है। मान लीजिए आपको अपना सीरियल नंबर 100 लिखना है, 50 लिखना है, कितना लिखना है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर 20 लिख देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ओके करेंगे तो जो सीरियल नंबर है यहाँ से ऑटोमेटिक लिख जाता है। तो आप देख सकते हैं जो 20 तक हमारा जो सीरियल नंबर है वो इस तरह से लिख चुका है। तो अगर आप डेटा एंट्री दोस्तों फास्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से जो छोटे मोटे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है शॉर्टकट की मदद से दोस्तों आपको सीख लेने हैं। तो जो सीरियल नंबर है दोस्तों आप इस तरह से दे सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बताया था आप 1 टाइप करें, एंटर टाइप करें, 2 टाइप करें, एंटर टाइप करें। उसके बाद दोस्तों इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस तरह से पकड़ कर इसको खींचेंगे, फिर भी आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि मतलब जो यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। और डिलीट करने के बाद दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर यहाँ पर हम जो है 1 टाइप करें और उसके बाद यहाँ से जो है पकड़ कर इसको नीचे खींचे तो टाइप होगा कि नहीं। तो दोस्तों ये टाइप नहीं होगा, जो भी आपने वहाँ ऊपर टाइप किया होगा वो सेम यहाँ पर नीचे टाइप हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको 1, 2 टाइप करके ही करना है। लेकिन दोस्तों इसका भी तरीका है, आपको सिर्फ 1 टाइप करके करना है। जैसे मैं यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है। तो जैसे दोस्तों आप अपने कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक छोटा सा प्लस का आइकन और बन जाता है। उसके बाद आपको दोस्तों जो अपना बटन है माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है और इस तरह से पकड़ के खींच देना है। तो इस तरह से भी दोस्तों आप कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कंट्रोल की होल्ड करके रखना है। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सीरियल नंबर है फिर भी यहाँ पर टाइप हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो में थोड़े बहुत बोर हो रहे होंगे तो दोस्तों
आप वीडियो को थोड़ा सा रोक के जो है थोड़ा बहुत पानी या चाय पी के आ सकते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू देखिए। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है जीरो से एडवांस लेवल तक जो डेटा एंट्री बताया है, तो मैं आपसे दोस्तों थोड़ा सा टाइम तो लूँगा, क्योंकि फिर मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मैं दोस्तों जो छोटे वीडियोज़ हैं उन्हें बनाता हूँ, लेकिन मैं उनमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं दोस्तों यहाँ पर ट्यूटोरियल बनाता हूँ। अगर दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो मैं 5 से 10 मिनट का जो वीडियोस एवरेज वीडियो होता है उन्हें भी यहाँ पर जो है अपलोड कर दूंगा। अगर आप दोस्तों बताते हैं तो कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है 5 से 10 मिनट के जो वीडियोस होते हैं वो देखना पसंद है, तो मैं 5 से 10 मिनट का जो वीडियोस है वो भी बना दूंगा। क्योंकि दोस्तों जो ट्यूटोरियल मैं बनाता हूँ उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि दोस्तों जो वीडियो शूट होते हैं वो करीब 1 घंटे का शूट हो जाता है, तो उसमें दोस्तों एडिट करके आपके लिए उसमें थोड़ा थोड़ा एडिट करके उसे 20 से 25 मिनट का रखता हूँ, तो काफ़ी टाइम दोस्तों एडिटिंग में भी मुझे लग जाता है। अगर दोस्तों आप 10 से 5 मिनट के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो उनको वीडियोस को दोस्तों मैं हो सकता है हफ्ते में उनको 2 से 3 वीडियो भी डाल दूँ, क्योंकि जो ट्यूटोरियल वीडियोस हैं दोस्तों मैं हफ्ते में सिर्फ 1 ही वीडियो यहाँ पर अपलोड कर पाता हूँ, क्योंकि दोस्तों एडिटिंग में दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है और मेरे पास दोस्तों कोई टीम भी नहीं है। मुझे दोस्तों सारा वीडियो जो है शूटिंग करना पड़ता है, उसके बाद अपलोड एडिटिंग करने के बाद अपलोड करना पड़ता है। तो अगर आप छोटे वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल तो बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा नेम है वो यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ भी नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे दोस्तों मैं यहाँ नाम टाइप कर देता हूँ राहुल। और उसके बाद दोस्तों आपको राइट एरो की दबाना है या फिर टैब की दबाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि राइट एरो की और जो टैब है उसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जब आप अपने कीबोर्ड से जो है राइट एरो की दबाते हैं, जैसे कि मैं राइट एरो की दबाता हूँ, उसके बाद मैं एंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं राइट एरो की दबाने के बाद एंटर दबाया है तो जो हमारा सेलेक्शन है वो जस्ट इसके नीचे आया है। अब दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर जो है टैब की दबाता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं जैसे ही एंटर दबाता हूँ तो जो हमारा सिलेक्शन था नाम लिखा हुआ है यहाँ पर आया है। तो टैब की से दोस्तों जब आप जो डेटा टाइप करते हैं तो आपको टैब की का यूज करना है, क्योंकि जब टैब की का यूज करके दोस्तों आप एंटर दबाते हैं तो जो आपका सिलेक्शन है यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप एरो की से करना चाहें फिर भी दोस्तों यहाँ पर एक तरीका है, जैसे आपको एरो की दबाना है उसके बाद दोस्तों एंटर दबाएंगे तो जो आपका सिलेक्शन है वो नीचे आएगा। उसके बाद दोस्तों आपके कीबोर्ड पर एक होम टैब का बटन रहता है, उसको आपको प्रेस करना है, फिर आपका जो सिलेक्शन है जस्ट जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर होम पर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से भी दोस्तों आप एरो की या फिर जो टैब की है उसका अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पर जो फादर्स नेम है वो टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको टैब दबाना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो एज है वो लिख देना है, उसके बाद फिर से टैब दबाना है और यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो मैंने यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो नेम है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है अपने माउस से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बीच वाला सिलेक्शन है हमने यहाँ से टाइप किया था, तो जो एंटर दबाएंगे तो सिलेक्शन सिर्फ यहीं पर आएगा। जैसे मैं फिर से यहाँ पर टैब दबाता हूँ और एंटर दबाऊंगा तो सिलेक्शन यहीं पर आएगा, क्योंकि एक्सेल को यही मालूम है कि जो आपने टाइप किया था इस जगह आपने सिलेक्शन किया था उसके बाद टाइप किया था। तो इस तरह से दोस्तों जो छोटी मोटी यहाँ पर जो मिस्टेक है वो आपको अच्छे से समझ लेनी है, उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से जो डेटा है टाइप कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं दूसरा जो नेम है वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर टैब दबा देता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर टैब दबा देता हूँ, मतलब इसको पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सही से कर लेता हूँ। अब दोस्तों जब मैंने टैब दबा दी है तो मुझे जैसे यहाँ पर जो करण कुमार मैंने जो नाम लिखा हुआ है स्टूडेंट का, इसमें मुझे कुछ चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पर माउस से क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइप नहीं होता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से F2 दबाना है। तो जैसे दोस्तों आप F2 दबाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइपिंग के लिए यहाँ पर जो आपका कर्सर है वो यहाँ पर शो होने लगा है। तो इस तरह से दोस्तों आप कुछ भी आप यहाँ पर जैसे एडिट करते हैं तो देखिए एडिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप जो है अपने कीबोर्ड से F2 नहीं दबाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने माउस से यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे फिर भी यहाँ से आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो आपका कुछ भी गलती मिस्टेक हो जाती है आप जो है टैब की एरो की दबा देते हैं, तो इस तरह से डबल क्लिक करके यहाँ पर इसमें क्लिक करके F2 दबा के आप इसको जो है एडिट कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, जो हमारे डेटा है वो यहाँ पर टाइप कर दिया है। मान लीजिए जो डेटा है आप टाइप करते जा रहे हैं, मैं यहाँ पर जो डेटा है पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ या इसको जो है टाइप कर लेता हूँ। अब मैं देखिए दोस्तों इस डेटा को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब मान लीजिए दोस्तों जो आपका डेटा है वो आप टाइप करते करते जैसे यहाँ पर पहुँच गए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो आपने डेटा टाइप करना शुरू किया था वो देखिए, मैंने डेटा टाइप करते 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 आप जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं नीचे। तब जो आपका डेटा है यहाँ पर जो आपका रो नंबर 21 है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों जो आपने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, जो कुछ भी यहाँ पर दोस्तों डेफिनेशन जो हेडिंग लिखी थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया होगा। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी जो है नाम आपको टाइप करना है, सीरियल नंबर, यहाँ पर जो नाम, फादर्स नेम टाइप करना है, तो यहाँ पर तो दोस्तों जो डेटा है वो बहुत कम है, तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट नेम था एंड जो यहाँ पर फादर्स नेम था, मोबाइल नंबर, एज थी, तो इस तरह से टाइप कर लेंगे। लेकिन दोस्तों जब कभी भी आप कहीं पर जो है जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो डेटा है वो इतना नहीं होता है, वो डेटा जो है काफ़ी मात्रा में होता है। तो आपको किस तरह से दोस्तों आपको किस तरह से डेटा को एंटर करना है कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, तो उसके लिए दोस्तों जो यहाँ पर आपने जो डेफिनेशन लिखी थी उसको दोस्तों आपको फ्रीज कर सकते हैं। इसको दोस्तों हम फ्रीज करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि जो हमारा सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, जो कुछ भी लिखा है दोस्तों, जो पहले वाला जो कॉलम रो है उसमें लिखा हुआ है, तो इस रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है, यहाँ पर एक व्यू टैब का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों व्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एक ऑप्शन रहता है फ्रिज पैनल्स का। तो जैसे दोस्तों इस फ्रिज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ्रिज पैनल्स का ऑप्शन आएगा, फ्रिज पैनल्स पर आपको क्लिक कर देना है। बस दोस्तों आपका जो काम है वो यहाँ से हो गया है। अब दोस्तों कहीं पर भी आप टाइप कीजिए, ये सारा यहाँ से फ्रीज हो चुका है। अब देखिए दोस्तों आप नीचे जैसे क्लिक करते जाएंगे वो यहाँ से जो आपका ऊपर वाला जो टॉप रो है यहाँ से फ्रीज हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी डेटा एंट्री करते हैं तो आपसे कुछ भी गलती नहीं होगी और आप आसानी से जो डेटा है उसको एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो हमने जो यहाँ पर जो पहला रो है वो यहाँ से फ्रीज कर दिया है। अब दोस्तों अगर आप इसको अनफ्रीज करना चाहते हैं तो फिर से दोस्तों यहाँ फ्रीज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अनफ्रीज का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाता है, अब इसको अनफ्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर कहीं पर भी आप जो है डेटा एंट्री बहुत सारी करते हैं तो इस तरह से इसको फ्रीज कर सकते हैं, जिससे आपसे डेटा एंट्री में कोई भी गलती नहीं होगी। अन्यथा अगर आपसे गलती हो जाती है दोस्तों तो यहाँ तो वहाँ पर जो आपकी मेहनत है सारी बर्बाद हो जाती है, उसके बाद आपको जो डेटा है दोबारा से एंटर करना होता है। अब मान लीजिए दोस्तों आप जो डेटा है आप टाइप कर रहे हैं, तो मैं इसको दोस्तों दूसरा यहाँ पर पेज ले लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास ये डेटा है, आप इस डेटा को दोस्तों एंटर करते जा रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है डेटा को एंटर करते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए जो स्टूडेंट नेम है एंड जो उसका फादर्स नेम है वो तो सेम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो मोबाइल नंबर एंड जो कोई भी दोस्तों जैसे स्टूडेंट है वो एक ही परिवार से स्टूडेंट है, तो उसका जो डेटा है सेम रहेगा, तो उसका दोस्तों जो नाम है वो अलग रहेगा और जो फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सेम रहेगा। तो दोस्तों आपको दोबारा से यहाँ पर डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दोस्तों जो नीचे वाला यहाँ पर जो सेल है उनको सेलेक्ट करना है और दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड से बिल्ट कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है। तो जैसे दोस्तों आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो जो ऊपर वाला डेटा है यहाँ पर कॉपी हो जाता है। अगर दोस्तों अब यहाँ पर आपको जो उसका नाम है वो चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड से F2 दबाइए और यहाँ से जो उसका नाम है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद दोस्तों आप एंटर दबा दीजिए, तो यहाँ से जो आपकी एंट्री है वो यहाँ से दोस्तों हो चुकी है। तो इस तरह से भी दोस्तों आप कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों कभी कभी आपके साथ ये परेशानी भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों जो मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ पर जो है थोड़ा आगे चलता हूँ और यहाँ पर दोस्तों जो मोबाइल नंबर है वो टाइप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखता हूँ पहले, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, इसका साइज बढ़ा लेते हैं। साइज बढ़ाने के लिए दोस्तों इसको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है और होम टैब में दोस्तों यहाँ से जो ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसका साइज बढ़ा लिया है और दोस्तों मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ। तो दोस्तों मोबाइल नंबर जो होता है वो जो है 10 नंबर का होता है, तो मैंने जो मोबाइल नंबर है यहाँ से टाइप कर दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर टाइप किया है वो 10 नंबर का है। लेकिन दोस्तों मैं एंटर दबाता हूँ और जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर 4 से 5 नंबर का टाइप कर देता हूँ और एंटर दबाता हूँ।
फिर भी दोस्तों जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर टाइप हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से डेटा एंट्री करते हैं कहीं पर और आपसे जो मोबाइल नंबर है गलत हो जाता है टाइप, तो दोस्तों जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिक वो इस तरह से ले लेता है, तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी क्योंकि दोस्तों उसमें जो मोबाइल नंबर है वो गलत आपने टाइप कर दिया है। तो उसके लिए दोस्तों आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों जो भी आप मोबाइल नंबर का जो सेल है यहाँ पर दोस्तों सारे कॉलम को इसको इस तरह से सेलेक्ट कीजिए। इस तरह दोस्तों कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद आपको डेटा में दोस्तों क्लिक करना है। आपको यहाँ पर डेटा का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो डेटा पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डेटा वैलिडेशन का। तो जैसे दोस्तों डेटा वैलिडेशन पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से डेटा वैलिडेशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का एक छोटा सा पॉपअप विंडो शो होगा। इसमें दोस्तों आपको एनी वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से तो यहाँ पर दोस्तों आपको टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम और जो मिनिमम है इसमें आपको 10-10 टाइप कर देना है। उसके बाद जो एरर है दोस्तों इसमें आपको टाइप कुछ भी अपने तरफ से कर देना है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर जो टाइटल दे दिया है रुको रुको, और जो एरर मैसेज है उसमें दोस्तों मैंने लिख दिया है रुको में रुको नंबर गलत है। तो इस तरह से दोस्तों लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एक्सेल है छोटा सा जादू हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर टाइप करता हूँ 5 नंबर का, उसके बाद एंटर दबाता हूँ। तो दोस्तों ये 5 नंबर का मोबाइल नंबर थोड़ा ही होता है, तो यहाँ से टाइप नहीं होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो एरर है शो हो रहा है कि दोस्तों जो मोबाइल नंबर है आपने गलत टाइप किया है, रुको नंबर गलत है, और जो आपने टाइटल दिया था रुको रुको वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए आपको 10 नंबर टाइप करने होंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर जो है 10 नंबर टाइप कर देता हूँ। अब देखिए मैं 10 नंबर दोस्तों टाइप कर दिए हैं, मैं एंटर दबाता हूँ तो ये टाइप हो गए। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर जो है 10 नंबर की बजाय जो है 11 या 12 नंबर टाइप करता हूँ फिर एंटर दबाता हूँ, तो फिर भी देखिए दोस्तों जो नंबर है यहाँ से टाइप नहीं हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपने टाइप किया था वो 10 नंबर का मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों अगर डेटा में आप इस तरह से जो मोबाइल नंबर एंटर करते हैं कहीं पर भी दोस्तों अगर आप डेटा एंट्री करते हैं, तो इस तरह से दोस्तों आप जो है टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो अगर आप डेटा एंट्री में जो है गलती बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और जहां कहीं भी दोस्तों आप डेटा एंट्री करने जाएंगे तो वो व्यक्ति आपको बार बार बुलाएगा, क्योंकि दोस्तों आप डेटा एंट्री में कोई भी गलती नहीं करेंगे तो हर व्यक्ति आपको बार बार बुलाएगा कि अरे भैया उसी व्यक्ति को बुलाओ वो गलती नहीं करता है। तो इस तरह से आप अच्छे से डेटा एंट्री कीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों जो आपने डेटा एंट्री की है इसमें आप डेटा एंटर करते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान आता है कि यहाँ पर आपको बीच में भी कुछ ऐड करना था, जैसे आज क्लास 3 है उसके आगे भी आपको कुछ ऐड करना था, यहाँ पर आपसे कुछ रह जाता है, तो आपको दोस्तों इस तरह से इसको सेलेक्ट करना है। और आपको दोस्तों राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक इंसर्ट का ऑप्शन रहेगा, तो इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर जो पूरा कॉलम है इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो कुछ भी दोस्तों आपको यहाँ पर जो है टाइप करना था, जैसे आपको यहाँ पर जो है स्कूल टाइप करना था, उसके बाद आप जो स्कूल का नेम है यहाँ पर दे दीजिए कुछ भी यहाँ पर दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों जो भी सेल है यहाँ पर बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों जहाँ कहीं भी आपको बीच में सेलेक्ट करना है आप राइट की तरफ जो है क्लिक करके इसको पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उससे दोस्तों राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करना है। तो इस तरह से जो है बीच में जो है पूरा कॉलम दोस्तों इंसर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो कॉलम है वो तो इंसर्ट हो गया ठीक है, लेकिन अगर आपको जो है कोई भी रो इंसर्ट करना है फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर आपको रो पर सेलेक्ट करना है और आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है, तो जो दोस्तों आपके ऊपर जो है यहाँ पर एक पूरा रो इंसर्ट हो गया है। अगर दोस्तों आप उसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो बन लिखा हुआ है यहाँ पर अपना जो माउस लेके जाइए और इस तरह से नीचे पकड़ कर खींच दीजिए, फिर यहाँ पर दोस्तों जो कुछ भी आपको टाइप करना है यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको होम पर क्लिक करना है, यहाँ से इसको मर्ज कर देना है, और जो कुछ भी दोस्तों आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं यहाँ से साइज बढ़ाकर टाइप कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर टाइप कर देता हूँ स्कूल नेम, इस तरह से दोस्तों आप टाइप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको स्कूल के नीचे मान लीजिए ये सेल थोड़ा बड़ा है, मतलब मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर दोस्तों स्कूल नेम टाइप करना है। तो मैं दोस्तों जैसे यहाँ पर स्कूल नेम लिखता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पर स्कूल नेम के बाद मुझे यहाँ पर टाइप करना है क्लास 5।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर अगर क्लास फाइव टाइप करूंगा तो देखिए ऊपर वाला जो दोस्तों यहाँ पर आप सेल देख रहे हैं, इसका जो वेट एंड हाइट है, जो दोस्तों इसका साइज है वो प्रॉपर यहाँ तक ही है। मुझे यहाँ तक ही दोस्तों जो स्कूल नेम यहाँ पर लिखना है वो इसी में टाइप करना है, तो आपको इस तरह से टाइप नहीं करना है। आपको दोस्तों किस तरह से टाइप करना है, आपको स्कूल नेम तो लिखना है, उसके बाद दोस्तों आपको स्कूल नेम लिखने के बाद अपने कीबोर्ड पर अल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए, आपको क्लास फाइव लिखना था तो क्लास फाइव, इस तरह से दोस्तों आप टाइप कर सकते हैं। अब जितना भी दोस्तों आपका जो कॉलम है उसी के हिसाब से आपका जो स्कूल नेम क्लास फाइव टाइप हुआ है। अब दोस्तों इसको आपको होम टैब पर जाने के बाद इसको एक बार नीचे सेलेक्ट करना है, फिर से इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से दोस्तों आप इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जो बीच में इसको सेंटर में एडजस्ट कर दिया है, और दोस्तों अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। तो कुछ भी डेटा दोस्तों आप इस तरह से टाइप भी कर सकते हैं। कई बार दोस्तों जो डेटा होता है आपको इस तरह से टाइप करना होता है, तो आप इस तरह से जो डेटा है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको इसमें जो कुछ भी है पहले लिखना रहता है, उसके बाद अल्ट के साथ एंटर दबाना है, उसके बाद जो भी आपको नीचे टाइप करना रहता है वो आप लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह के और भी हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मैंने फिलहाल दोस्तों जो डेटा एंट्री है वो 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर दोस्तों आपको जो वीडियोस देखने हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और आई बटन पर भी कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप डेटा एंट्री सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों जो पूरा डेटा एंट्री का कोर्स है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद भी दोस्तों एमएस वर्ड, फोटोशॉप, कोरल ड्रो जो भी है दोस्तों टैली के वीडियोस बाद में आएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स है उसके सारे वीडियोस यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों हफ्ते में सिर्फ आपको एक वीडियो मिलेगा, लेकिन वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर दोस्तों हो सकता है टाइम एडजस्ट हो जाए तो मैं हफ्ते में 2 वीडियोस भी अपलोड कर सकता हूँ। उसके लिए दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज हैं आपको मिल सके। फिलहाल तो बढ़ते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर। तो मैं यहाँ पर दोस्तों जो स्टूडेंट नेम है, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर जो कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उनका एड्रेस। अब मान लीजिए दोस्तों जो स्टूडेंट हैं आपके पास उनका जो एड्रेस है वो 4 से 5 जगह के हैं। जैसे मैं यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ आगरा, एंटर दबाता हूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं लिखता हूँ मथुरा, एंटर दबाता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिखता हूँ हाथरस, एंटर दबाता हूँ, बाद दोस्तों मैं यहाँ लिखता हूँ बरसाना, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखता हूँ वृंदावन। अब मान लीजिए दोस्तों जो आपके पास स्टूडेंट हैं उनका जो डेटा है वो आप टाइप कर रहे हैं वो इसी जगह के हैं दोस्तों, आगरा, मथुरा, हाथरस, वृंदावन, इसी तरह से दोस्तों 4 से 5 जगह के स्टूडेंट हैं, तो आपको दोस्तों बार बार नाम टाइप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपने एड्रेस टाइप किया है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर डाटा पर क्लिक करना है और डेटा वैलिडेशन में दोस्तों आपको चले जाना है। दोस्तों ये डेटा वैलिडेशन बहुत काम की चीज़ है, आपको इसको ध्यान रखना है। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो सोर्स है इस पर आपको क्लिक करना है, और सोर्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आपके एड्रेस थे यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। अगर दोस्तों आप टाइप करना नहीं चाहते तो दोस्तों मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ। पहले से अगर आपने टाइप किए हुए हैं तो सोर्स में क्लिक करने के बाद दोस्तों पहले से जो टाइप थे उनको इस तरह से सेलेक्ट करना है और यहाँ से दोस्तों ओके कर देना है। अब दोस्तों आपका जो काम है यहाँ से पूरा हो चुका है। अब देखिए दोस्तों जो कुछ भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो उसके नीचे आगे दोस्तों इस तरह का एक एरो होगा, उस पर क्लिक करके जो भी आपको नाम टाइप करना है वो यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपके लिए कितनी यहाँ से आसानी हो गई है। लेकिन दोस्तों जितनी भी सेल्स में आपको सेलेक्ट करना है वो आपको पूरी सेल सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने तो फिलहाल ये 4 से 5 नाम थे यही सेलेक्ट किए थे। उसके लिए दोस्तों आपको इस तरह से पूरी सेल सेलेक्ट करनी है, और डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से जो पूरा जो एड्रेस है उसके जो नाम है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं और दोस्तों ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से जो पूरा डेटा है आप टाइप कर सकते हैं। अगर दोस्तों माउस से आप टाइप नहीं करेंगे फिर भी जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आगरा लिखता हूँ तो मैं ए दबाऊंगा, जी दबाऊंगा तो पूरा जो आगरा है लिखा हुआ आ गया दोस्तों, आपको एंटर दबा देना है। मथुरा लिखना है तो दोस्तों इस तरह से एम ए दबाना है, मथुरा आ जाएगा। तो
तो इस तरह से जो भी डेटा है दोस्तों आप जल्दी से टाइप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप डेटा एंट्री करेंगे तो आपको वहाँ पर टाइम मैनेज करना होगा और आपको जल्दी से जल्दी डेटा एंटर करना रहेगा, तो आप इस तरह से जो अपना टाइम है वो सेव कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप हमारे साथ बहुत बेईमानी कर रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों इस तरह से आप जो डेटा एंट्री है वो कर लेते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप स्मार्ट तरीके से डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मेरे एक्सेल में यहाँ पर एक फॉर्म का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस तरह का फॉर्म का ऑप्शन आपको ऐड करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम अलग शीट ले लेते हैं एक, तो इस शीट में दोस्तों यहाँ पर जो है पूरे को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो होम टैब में जाने के बाद दोस्तों इसकी पहले तो मैं यहाँ से जो फॉन्ट का साइज है वो यहाँ से 16 कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर जैसे टाइप करता हूँ, टैब दबाता हूँ दोस्तों, स्टूडेंट नेम लिखता हूँ, टैब दबाता हूँ दोस्तों, फादर्स नेम। उसके बाद दोस्तों मैं सबको सेलेक्ट करके इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जो मेरा डेटा है दोस्तों इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं इस वाले फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से का एक पॉपअप शो होगा और मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, एज, एड्रेस, जो कुछ भी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ था वो यहाँ से जो है इस तरह के पॉपअप में शो होने लगा है। अब दोस्तों यहाँ से आप सीरियल नंबर टाइप कीजिए, सीरियल नंबर 1 टाइप कर देता हूँ, उसके बाद टैब दबाना है, उसके बाद दोस्तों जो स्टूडेंट नेम है वो टाइप करना है, फादर्स नेम दोस्तों टाइप करना है, उसके बाद टैब दबाना है, यहाँ से दोस्तों आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है तो मैं मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ, उसके बाद टैब दबाना है दोस्तों, यहाँ से एज और एड्रेस है वो टाइप करना है। तो इस तरह से दोस्तों मैं यहाँ से कुछ भी टाइप कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर एज टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपकी एंट्री हो जाती है आपको यहाँ से न्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप न्यू पर क्लिक करेंगे जो आपकी एंट्री है इस तरह से हो चुकी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो दूसरी एंट्री है वो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, तो सीरियल नंबर यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, स्टूडेंट नेम है दोस्तों मैं यहाँ पर जो है स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ, और जो फादर्स नेम है वो यहाँ पर दोस्तों मैं लिख देता हूँ, और टैब दबाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो लिख देता हूँ और एज लिख देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपने कीबोर्ड से एंटर दबाना है, तो जो दूसरी एंट्री है दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो स्टूडेंट का नेम था वो यहाँ पर इस तरह से दिया था गलत। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है, ये जो नाम है इसमें सुधार करना है, तो आप क्या करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको आप क्लोज कर देंगे तो ये पूरा क्लोज हो जाएगा, तो आपको इस तरह से सही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है फाइंड प्रीव्यू का, तो फाइंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो जो पहले आपने एंट्री कर दी थी वो यहाँ से वापस आ जाएगी। तो जो स्टूडेंट नेम है आप अच्छे से जो है टाइप कर दीजिए, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका टाइप हो जाता है उसके बाद एंटर दबा दीजिए, तो जो एंट्री थी आपकी यहाँ से सही हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो फॉर्म का ऑप्शन है इससे आप एंट्री कर सकते हैं, इससे दोस्तों आपके कोई भी गलती नहीं होगी, ना ही आपको कुछ करना है। जो भी यहाँ पर दोस्तों सारे ऑप्शन होते हैं वो इस तरह के जो छोटे से फॉर्म में रहते हैं, तो आपको यहाँ से जो है जल्दी से एंट्री कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों इसको क्लोज कर देता हूँ, और आपको दोस्तों इस तरह इसे किस तरह से जो है यहाँ पर ऐड करना है उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो मिलेगा, चाहे तो आप यहाँ से क्लिक करके जो है यहाँ से आपको मोर कमांड में चले जाना है, तो इस तरह से आप ओपन कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरह से ना जाना चाहें तो आपको यहाँ पर जो आपका ऑफिस बटन है एक्सेल का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक एक्सेल ऑप्शन का बटन रहता है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो भी इस तरह का जो ऑप्शन है ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको कस्टमाइज पर क्लिक कर देना है। कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस वाले ऑप्शन में आपको यहाँ से जो है ऑल कमांड पर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से मैंने ऑल कमांड कर दिया है। अब जैसे आप ऑल कमांड कर देते हैं तो जो सारी कमांड थी यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। अब आपको इसे पकड़ कर नीचे जाना है ऐप वाले ऑप्शन में दोस्तों, क्योंकि जो हमारे फॉर्म में ऐड करना है वो ऐप से शुरू होता है। तो यहाँ से दोस्तों अब आपको फॉर्म यहाँ पर ढूंढना है, फॉर्म कहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्म यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऐड का ऑप्शन रहता है, आपको ऐड पर क्लिक करना है। तो मेरा दोस्तों पहले से ऑलरेडी यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में जो ऐड है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से ऐड नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले से ऐड है। तो इस तरह से दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो जैसे ओके कर देते हैं दोस्तों आपका जो यहाँ पर फॉर्म का ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर शो होने लगता है। इसको दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है अगर आप डेटा एंट्री सीख रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों ऐड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो भी एंट्री करेंगे आपको पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से इस पर फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो जो फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर अप्लाई हो जाता है।
अगर दोस्तों आप जिसको सेलेक्ट नहीं करते हैं और आप डायरेक्ट इस फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों ये नहीं होगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता हूँ और फॉर्म पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये इस तरह से शो नहीं होगा। दोस्तों ये मना कर रहा है कि आपने पहले जिसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको पहले दोस्तों आपको सेलेक्ट करना रहेगा। करने के बाद दोस्तों आपको फॉर्म पर क्लिक करना है तो ये फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जो भी एंट्री है दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपको फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, क्योंकि जो हमारी एंट्री थी दोस्तों पहले से हो चुकी है तो ये एंट्री नहीं करेगा। इसमें दोस्तों आपको एक भी ये भी सावधानी रखनी है कि जो आपकी पहले से एंट्री थी वो यहाँ पर हो चुकी है नहीं होगी, तो आपको शुरू से ही एंट्री करनी होगी। तो उसके लिए दोस्तों आपको चाहें तो इसको पहले डिलीट कर दीजिए, उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म पर क्लिक कीजिए, फिर आप एंट्री कीजिए। तो इस तरह से दोस्तों एंट्री कर सकते हैं। अगर आप बीच में चार या पांच एंट्री कर देते हैं दोस्तों, फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्म पर क्लिक करके जो है एंट्री करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, जो भी आपकी प्रीवियस जो एंट्री थी दोस्तों यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। तो जो फॉर्म का ऑप्शन है दोस्तों आपको शुरुआत में ही यहाँ से सेलेक्ट करना है, तभी आप जो है इसमें एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आपको आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा एंड पसंद आया होगा। अब दोस्तों देखिए जो भी डेटा है दोस्तों आपने टाइप किया है, जैसे मैं यहाँ पर डेटा में जाता हूँ, इस तरह का जो दोस्तों मैंने डेटा है वो टाइप किया है। लेकिन दोस्तों ये डेटा है मैंने इस तरह से टाइप किया है, यानी जो सीरियल नंबर डेट आइटम नेम जो भी दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है वो इस तरह से दोस्तों रो में लिखा हुआ है। लेकिन आपका बॉस है दोस्तों वो आपसे कहता है कि जो डेटा आपने जो यहाँ पर एंटर किया है वो इस तरह से दोस्तों रो में ना होकर जो कॉलम है दोस्तों इसमें होना चाहिए। तो आपको दोस्तों जो सारा डेटा है इसको डिलीट करके टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको दोस्तों इसको कहीं पर भी अपने माउस से जो डेटा है इसमें क्लिक करना है और आपको दोस्तों अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाना है, उसके बाद दोस्तों कंट्रोल सी दबाना है तो जो भी डेटा है यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब दोस्तों कॉपी हुआ है ये आपको किस तरह से मालूम पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कुछ चींटियाँ हैं दोस्तों आपके घर की तरफ दौड़ रही होंगी, तो आप देख सकते हैं आपके घर में दोस्तों देखिए चींटियाँ तो नहीं है आपके आसपास, देखिए नहीं है। हाँ चलिए, तो इस तरह से दोस्तों चींटियाँ हैं इस तरह से दौड़ेंगी तो समझ लीजिए ये कॉपी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से नई शीट लेनी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों इसी शीट में आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, आपको दूसरी शीट लेनी है और इस शीट में दोस्तों आपको जहाँ पर भी आप पेस्ट करेंगे वहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट स्पेशल। एक्सेल में दोस्तों पेस्ट स्पेशल बड़े काम की चीज़ है, ऐसे अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो दोस्तों 20 से 25 मिनट का वीडियो बन जाएगा, लेकिन फिलहाल आप समझ लीजिए दोस्तों पेस्ट स्पेशल पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर जो ओके लिखा हुआ है इसके जस्ट ऊपर ट्रांसपोज का, तो इस पर दोस्तों आपको क्लिक करके ओके कर देना है। बस ये लीजिए दोस्तों जो आपका सीरियल नंबर था वो देखिए इस तरह से जो कॉलम है लिखा हुआ है इसमें हो चुका है। दोस्तों एक्सेल में आपको इस तरह की हैज हैज की कहीं भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो दोस्तों यहाँ पर ये गलत नहीं है, आपको घबराना नहीं है। जो सेल है दोस्तों इसका जो साइज है वो छोटा है, जैसे देखिए दोस्तों मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अब देखिए जो यहाँ से प्रॉपर हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसको यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। तो जो भी दोस्तों डेटा था यहाँ से देखिए प्रॉपर तरीके से जो हैज है यहाँ पर लिखा हुआ था वो यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो डेट लिखा हुआ था वो डेट का थोड़ा जो सेल है दोस्तों बड़ा था और दोस्तों जो प्रॉपर तरीके से उसका साइज कम हो गया था, तो इसलिए यहाँ पर हैजेज दिखाई दे रहा था। अगर दोस्तों आपको एक्सेल में कभी भी कहीं भी इस तरह से हैजेज लिखा हुआ मिलता है तो तुरंत समझ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि जो हैजेज लिखा हुआ है वो साइज की जो है कमी है इसलिए हैजेज आता है, अन्यथा जो हैजेज बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इस तरह से दोस्तों आप डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों जो ट्रांसपोज है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो डेटा है मैं इसको डेटा ले लेता हूँ, मान लीजिए दोस्तों जो हमारे पास यहाँ पर डेटा है आप डेटा एंटर करते हैं और आप दोस्तों जो भी डेटा एंटर करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर जो डेटा है एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर दोस्तों HP लिखा हुआ है, HP की जगह मैं दोस्तों यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल। लिखने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर एंटर दबाता हूँ, तो एंटर दबाने के बाद जो दोस्तों हमारा जो सिलेक्शन है वो नीचे वाले सेल में आया है। अगर दोस्तों आप डेटा एंट्री करते हैं और आपको दोस्तों एंटर दबाने की आदत पड़ चुकी है, जैसे भी आप टाइप करते हैं यहाँ पर दबाएंगे एंटर दबाएंगे तो ये नीचे आएगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप डेटा एंट्री कर रहे हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको टैब दबाना पड़ता है, तब जो आपका सिलेक्शन है आगे वाले सेल में इस तरह से जाता है। अगर दोस्तों आप एंटर दबाते हैं तो जो आपका सिलेक्शन है वो नीचे की तरफ आता है, लेकिन अगर आपको दोस्तों एंटर दबाने की आदत पड़ चुकी है और आप चाहते हैं कि जो एंटर से जो मेरा सिलेक्शन है
वो टैब दबाने से दोस्तों जैसे आगे जाता है वो एंटर दबाने से भी आगे जाए, ना कि नीचे की तरफ। तो दोस्तों आप इसे ऑफिस बटन पर जाकर सही कर सकते हैं। आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है और एक्सेल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, आपको दोस्तों यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करना है। एडवांस पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सेलेक्शन। इस ऑप्शन पर दोस्तों यहाँ पर देखिए डाउन लिखा हुआ है, तो डाउन पर आपको क्लिक करके यहाँ से राइट कर देना है। राइट करने के बाद दोस्तों ओके करेंगे तो जब आप एंटर दबाएंगे, देखिए दोस्तों मैं एंटर दबाऊंगा तो जो आपका सिलेक्शन है वो नीचे ना आने की बजाय जो है आगे की तरफ जाएगा। अब नीचे आने के लिए दोस्तों आपको डाउन एरो की दबानी पड़ेगी इसे, लेकिन अगर दोस्तों तभी कीजिए जब आपको एंटर दबा दबा कर जो है डेटा एंटर करने की आदत पड़ चुकी है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जो भी आपका दोस्तों एंटर दबाने के बाद सिलेक्शन होगा वो राइट की तरफ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप डेटा एंट्री में एंटर से जो है डेटा एंटर कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं दोस्तों इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैं जो है एंटर से इस तरह से डेटा एंटर नहीं करता हूँ, मैं जो है दोस्तों यहाँ पर डाउन एरो ही रख देता हूँ, क्योंकि जब मैं एंटर दबाऊँ दोस्तों तो डाउन तरफ जो मेरा सिलेक्शन है वो हो। तो इस तरह से अगर दोस्तों आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप यूज कर लीजिए दोस्तों, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। मैंने तो पहले काफ़ी यूज कर चुका हूँ। अब देखिए दोस्तों आप जब कभी भी आप डेटा एंटर करते हैं, मैं यहाँ पर दोस्तों एक और सेल बढ़ा लेता हूँ, मैं यहाँ पर जो है आधार कार्ड लिख देता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर आधार कार्ड लिख दिया है, मैं इसको जो है प्रॉपर कलर कर देता हूँ। आधार कार्ड नंबर दोस्तों जो होता है वो 13 से 14 नंबर का होता है, तो मैं यहाँ पर जो है आधार कार्ड नंबर की तरह ही कई सारे नंबर टाइप कर देता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ पर एंटर दबाता हूँ। तो एंटर दबाने के बाद दोस्तों जो आधार कार्ड नंबर है, देखिए पॉइंट के बाद दोस्तों जो 1.23457E+13 इस तरह से लिखा आता है। तो इस तरह से दोस्तों अब आप इस सेल को थोड़ा बड़ा करेंगे, फिर भी दोस्तों ये सही नहीं होगा, आप ये मत समझिए हैज लिखा होता है तो सेल को बड़ा कर देते हैं तो सही हो जाता है, लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर मैंने टाइप किया वो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो दोस्तों आधार कार्ड नंबर को प्रॉपर जैसे आपको दिखाई देना चाहिए, जैसे 13 नंबर का है तो 13 नंबर दिखाई देने चाहिए, तो वो आप दोस्तों किस तरह से सही कर सकते हैं उसके लिए, जिस भी दोस्तों सेल में आप जो है आधार कार्ड नंबर जो है टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों जो अकाउंट नंबर होता है वो भी कई सारे जो नंबर होते हैं अकाउंट नंबर में भी तो इस तरह से दोस्तों शो होते हैं। जैसे अकाउंट नंबर भी दोस्तों इसी तरह से होता है 12 से 13 नंबर का, तो वो भी प्रॉपर इसी तरह से शो होगा। तो इसे सही करने के लिए दोस्तों आपको जिस भी सेल में आप टाइप कर रहे हैं उस बार पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों होम टैब पर भी आपको क्लिक रखना है। होम टैब पर क्लिक रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक जनरल का ऑप्शन रहता है, तो जनरल वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको नंबर जो आधार कार्ड लिखा हुआ है इस तरह से इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जो भी दोस्तों नंबर थे यहाँ से सही हो चुके हैं। अब दोस्तों हैज एज लिखा हुआ आ जाए तो आप समझदार हैं, आपको इसको पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर देना है, क्योंकि नंबर प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर नहीं आया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर पूरा तो लिख चुका है लेकिन पॉइंट लग के 00 और लिखा हुआ है, तो दोस्तों हमारे किसी काम का ये नहीं है। उसके लिए दोस्तों आपको फिर से इसको सेलेक्ट करना है पूरे यहाँ से कॉलम को, और यहाँ से दोस्तों एक ऑप्शन मिल जाता है आपको डिक्रीज डेसिमल का, तो डिक्रीज डेसिमल पर 2 बार क्लिक कर दीजिए और यहाँ से जो नंबर था वो यहाँ से प्रॉपर तरीके से हट जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों आप इस तरह से नहीं करना चाहते, एक ही साथ हटाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ से प्रॉपर तरीके से जो पॉइंट लिखा हुआ था कर देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से दोस्तों जो यहाँ पर जो जनरल लिखा हुआ था इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको चले जाना है मोर नंबर फॉर्मेट्स में, तो यहाँ पर मोर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कस्टम में जाना है और यहाँ से दोस्तों जनरल लिखा हुआ है इसको यहाँ से डिलीट कर देना है और यहाँ से आपको 00 टाइप कर देना है। दोस्तों जैसे आप जो 00 टाइप कर देंगे उसके बाद ओके कर देना है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो पॉइंट लगा हुआ था वो यहाँ से नहीं आएगा, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और फिर दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पर नंबर टाइप करेंगे तो वो यहाँ से प्रॉपर तरीके से टाइप हो जाता है, कितना भी दोस्तों बड़ा नंबर हो यहाँ से आप टाइप करेंगे तो देखिए वो टाइप हो जाता है। तो इस तरह की दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से आप सेलेक्ट करके जो है सही कर सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्तों मैं जो है यहाँ पर कर देता हूँ, इसको पहले आधार कार्ड नंबर मैंने लिखा हुआ था इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल, मतलब मैं दोस्तों जो भी डेटा है उसका यहाँ पर टोटल निकालना चाहता हूँ, यानी जो क्वांटिटी है दोस्तों 12 है और जो प्राइस है दोस्तों इसका जो 12,000 रुपये है, तो मैं इसका जो टोटल लगाऊंगा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको एक्सेल में टोटल निकालने के लिए इक्वल दबाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर इक्वल दबाता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो क्वांटिटी है इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से दोस्तों स्टार लगाता हूँ और यहाँ से जो भी प्राइस है इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पर टोटल हो चुका है।
देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल हो चुका है। अगर पूरा टोटल करना है दोस्तों तो यहाँ पर आपको पकड़ के इस तरह से खींच देना है तो सारे का टोटल हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को आपको मिल जाएगी। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारा जो लैपटॉप है वो यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लैपटॉप है वो किलोग्राम में है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 12 kg लिख दूँ तो क्या आपको यकीन होगा कि लैपटॉप kg में होता है? नहीं होगा ना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर या माउस जो कुछ भी होता है दोस्तों वो होता है पीसेस में। तो यहाँ पर हम क्वांटिटी है यहाँ पर पीसेस टाइप करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो कॉलम है इसमें दोस्तों आपको डबल क्लिक करना है। सारे को दोस्तों मैं यहाँ से पहले तो डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से दोस्तों डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारे लैपटॉप थे वो 12 थे। तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पर 12 लिखता हूँ उसके बाद दोस्तों मैं कीबोर्ड से यहाँ पर पीसेस टाइप करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर इक्वल लगा के जो है इसको टोटल करता हूँ। तो दोस्तों ये टोटल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी पीसेस थे दोस्तों उसको सेलेक्ट करना था और दोस्तों स्टार लगाना था और यहाँ पर जो प्राइस था उसको सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाना था। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरह से टोटल हुआ नहीं है, यहाँ पर जो वैल्यू है दोस्तों गलत है, क्योंकि दोस्तों जो आपने पीसेस टाइप किया है ना वो इस तरह से थोड़े ही होता है। देखिए दोस्तों जो भी नंबरिंग यहाँ पर आपको आइटम रैंडम लिखाई जो भी लिखा हुआ है वो यहाँ पर देख रहे होंगे राइट साइड में लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर जो प्राइस है वो भी यहाँ पर दोस्तों जो देखिए आप राइट साइड में लिखा हुआ है। और जो पीसेस दोस्तों मैंने जो 12 पीसेस लिखा हुआ है वो दोस्तों लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, क्योंकि जो एक्सेल है इसको प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं है कि आपने जो है यहाँ पर पीसेस लिखा हुआ है वो इसको दोस्तों अल्फाबेट समझ रहा है, उसको दोस्तों पता नहीं है कि ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। तो इसे सही करने के लिए दोस्तों आपको इस तरह से टाइप नहीं करना है, अपने कीबोर्ड से पीसेस टाइप नहीं करना है। उसके लिए दोस्तों आपको जो भी यहाँ पर जो वैल्यू है आपको टाइप करनी है और सारे सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आपको चले जाना है फॉर्मेट सेल्स में। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है कस्टम में क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर कस्टम में क्लिक कर देते हैं तो जो यहाँ पर दोस्तों जनरल लिखा हुआ है इसको आपको डिलीट कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको हैश टाइप करना है। जैसे दोस्तों आप हैश टाइप करेंगे आपको स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर से स्पेस देना है। दोस्तों स्पेस देने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अब यहाँ पर लिख देना है पीसेस। अब मैं यहाँ पर पीसेस लिख देता हूँ दोस्तों, स्पेस देने के बाद आपको फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। अब दोस्तों आपको इतना लिखने के बाद आपको ओके कर देना है। तो जैसे दोस्तों ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं 12 पीसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं दोस्तों इस सेल को थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो जो मैंने कॉलम बड़ा किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसेस जो है राइट की साइड हो गया है। मतलब दोस्तों जो एक्सेल है अब इसको पता पड़ चुका है कि जो यहाँ पर आपने 12 लिखा हुआ है ये पीसेस हैं, लेकिन यहाँ पर ये नंबर है। अब दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, अब ये अल्फाबेट इसको नहीं समझ रहा है। अब दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करता, अब यहाँ पर जो है इसको टोटल करता हूँ तो इसको डिलीट करता हूँ। उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ और जो वैल्यू है यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद स्टार लगाता हूँ और जो प्राइस है इसको सेलेक्ट करके एंटर दबा देता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों इस सारे का यहाँ पर टोटल हो चुका है। तो इस तरह से भी दोस्तों आप टोटल कर सकते हैं। के लिए दोस्तों आपको जो पीसेस है ऑटोमेटिक टाइप नहीं करना है अपने कीबोर्ड से। इसके लिए दोस्तों आपको जैसे भी मैंने इसको जो प्रोसेस बताया है इसी तरह से आपको पीसेस टाइप कर दे रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आप इसका टोटल निकालना चाहते हैं प्राइस है पूरा, तो वो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको नीचे क्लिक करना है, आपको अल्ट के साथ इक्वल दबाना है, तो जो भी यहाँ पर टोटल है इसको एंटर का दबाएंगे तो हो जाता है। तो इस तरह से भी दोस्तों आप टोटल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर टोटल हुआ है वो सिर्फ इसी सेल का हुआ है। यहाँ पर जो 520, 200 और जो 3155, 1000 लिखा हुआ है इसका टोटल हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर स्पेस है अगर आप यहाँ पर भी कुछ वैल्यू टाइप कर देते हैं तो पूरी का टोटल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जैसे टाइप कर देता हूँ कुछ वैल्यू। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट और यहाँ पर दोस्तों अब मैं अल्ट के साथ इक्वल दबाता हूँ तो जो भी यहाँ पर जो सारा डेटा है इसको देखिए सेलेक्ट कर लिया है ऑटोमेटिक और मैं जैसे यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो सारे का टोटल हो गया है। तो इस तरह से भी दोस्तों आप टोटल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जो टोटल का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी फॉर्मूला है, छोटे मोटे फॉर्मूला दोस्तों आप याद करके रखिएगा। अब देखिए दोस्तों हम क्या सीखने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें दोस्तों जो आधार कार्ड नंबर है एंड जो मोबाइल नंबर है वो लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों जो भी आपसे डेटा टाइप करवाना चाहता है वो चाहता है कि जो आपके मोबाइल नंबर है इसके डेटा के आगे जो है
मोबाइल नंबर के आगे दोस्तों जो +91 लिख जाए, तो जो दोस्तों +91 होता है ये हमारी जो कंट्री है इंडिया, इसका कोड होता है। तो दोस्तों जो +91 है वो आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको सब में जो है +91 टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों जो डेटा है हमारे पास काफ़ी है, तो इस तरह से अगर हर सेल में जाकर आप जो है +91 टाइप करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन दोस्तों आप 0 से एडवांस लेवल तक की जो डेटा एंट्री सीख रहे हैं तो दोस्तों आपको इस तरह से नहीं करना है। देखिए दोस्तों आपको किस तरह से करना है, उसके लिए दोस्तों जिस भी जो सेल है, मतलब इसके लिए दोस्तों जो भी कॉलम है जिसमें आपका डेटा टाइप है जो मोबाइल नंबर वाला, उसको सारे को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पर ऊपर क्लिक करके जब आपका जो एरो है इस तरह का आ जाए, क्लिक कर देना है। तो जो सारा डेटा है दोस्तों यहाँ पर जो कॉलम का देखिए सेलेक्ट हो गया है। अगर दोस्तों आप नीचे तक और भी डेटा यहाँ पर टाइप करते हैं तो वो भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इस पर राइट क्लिक करना है। यहाँ तो दोस्तों राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है जनरल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे लास्ट में आपको जाना है मोर नंबर फॉर्मेट्स में, यहाँ पर दोस्तों क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको नंबर पर सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ से आपको कस्टम पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कस्टम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने माउस से आपको क्लिक करना है और दोस्तों आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है एंड उसके बाद आपको +91 टाइप कर देना है। तो देखिए दोस्तों +91 टाइप कर देंगे, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। अगर दोस्तों आपको +91 के बाद स्पेस देना है तो आप स्पेस एक बार स्पेस देंगे, उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों जो भी यहाँ पर नंबर लिखे हुए थे उनके आगे +91 लिख चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्लस या जो दशमलव की संख्या है वो आ रही है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से नंबर में जाने के बाद यहाँ से नंबरिंग कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो है ये इस तरह से नहीं है, आपको नंबरिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सेल का साइज है दोस्तों वो छोटा हो गया है, तो आप थोड़ा सा इसको इस तरह से पकड़ के बड़ा कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर +91 लिख चुका है और वहाँ पर दोस्तों हमने जो स्पेस दिया था इसके लिए यहाँ पर +91 के बाद स्पेस भी आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास जो भी ज़्यादा डेटा है, आपको इस तरह का कुछ भी डेटा यहाँ पर ऐड करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इस बात के लिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। वैसे भी दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 2 से 3 टिप्स और बता देंगे उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरी शीट पर चलता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास कुछ डेटा है, जैसे कि दोस्तों स्टूडेंट का डेटा है, यहाँ पर मैंने उनकी मार्कशीट का डेटा लिया हुआ है, जिसमें दोस्तों कुछ स्टूडेंट तो यहाँ पर अब्सेंट हैं एंड कुछ स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर अब्सेंट हैं उनका सेल यहाँ पर दोस्तों देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो इस खाली सेल में दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है अब्सेंट लिख दूँ। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो भी कलर है उसे कलर से थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, जिससे मालूम पड़ सके कि जो स्टूडेंट अब्सेंट हैं वो कितने स्टूडेंट हैं। तो हाईलाइट किस तरह से दोस्तों आप करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपको इस क्लिक करना है कहीं पर भी जो आपका डेटा एंटर है वहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों आप इसको सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से दोस्तों कंट्रोल जी दबाना है। जैसे दोस्तों आप कंट्रोल जी दबाएंगे तो आपके सामने छोटा सा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पर दोस्तों आपको स्पेशल पर क्लिक कर देना है। इस स्पेशल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कई सारे और ऑप्शन ओपन होंगे, जहाँ से आपको दोस्तों ब्लैंक्स पर क्लिक करना है, क्योंकि जो हमारी सेल से दोस्तों ब्लैंक्स थे यानी बिल्कुल खाली थे, जो खाली सेल होते हैं दोस्तों उनको हम ब्लैंक्स सेल कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद ओके कर देना है। तो जैसे दोस्तों ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं जो सेल खाली थे यहाँ से थोड़े से हाईलाइट हो गए हैं। अगर आप दोस्तों अपनी मर्जी से कोई भी कलर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको होम टैब पर क्लिक करना होगा और यहाँ से दोस्तों जो भी आप कलर देना चाहते हैं इसमें फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर कलर दे देते हैं, अगर आप दोस्तों कलर नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, अगर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। और दोस्तों हम ये भी चाहते हैं कि जो हमने यहाँ पर जो खाली सेल है इसमें हम स्टूडेंट की जगह यहाँ पर स्पेस दे दें, तो दोस्तों इसके लिए हम स्पेस देंगे। तो इस तरह से लाइन करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको कंट्रोल दबाना है, एंटर नहीं दबाना है दोस्तों, अपने कीबोर्ड पर आप कंट्रोल दबाएंगे उसके बाद एंटर दबाना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो भी यहाँ पर खाली सेल थे उसमें ऑटोमेटिक जो सारे सेल थे उनमें जो है अंडरलाइन हो चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो भी डेटा है इस तरह से अगर कोई भी डेटा आप मैनेज करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो 0 से एडवांस लेवल तक का है,
वैसे भी दोस्तों इसमें काफी स्टेप छूट गए हैं, उसके लिए दोस्तों अलग से जो भी वीडियोस आएंगे उसमें आप देख लीजिएगा। फिलहाल तो दोस्तों जो भी अगर आप नॉर्मल तरीके का डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो इसमें दोस्तों कंप्लीट कोर्स है, आप इसे देखने के बाद कहीं पर छोटी मोटी जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक और शीट लेते हैं जहाँ पर मैंने दोस्तों कुछ और डेटा टाइप किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, इसमें दोस्तों मैंने क्या किया है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है नाम डुप्लीकेट कर दिया है। जैसे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर एक ही स्टूडेंट का नेम मैंने चार बार कर दिया है, और यहाँ पर दोस्तों एक स्टूडेंट है हरीश, इसका नाम मैंने डबल लिख दिया है। तो हम चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है डबल है वो यहाँ से डिलीट हो जाए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जाकर जो है डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एक्सेल में कई सारी टिप्स हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सारे डेटा को सेलेक्ट करना है। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर डेटा टैब में क्लिक करना है। डेटा टैब में दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रिमूव डुप्लीकेट का। तो रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो इतने सारे ऑप्शन ओपन होंगे, जैसे कि यहाँ पर जो भी डेटा लिखा हुआ है वो सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो आपको दोस्तों पहले तो यहाँ से जो है अनसेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है, उसके बाद ये सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन टिक कर देना है जो भी आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं। तो हमारा जो स्टूडेंट नेम है वो यहाँ पर डुप्लीकेट है, तो हम स्टूडेंट नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों ओके कर देंगे। तो हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप शो हुआ है जिसमें जो चार जो है नेम डुप्लीकेट थे वो यहाँ से रिमूव हो चुके हैं, और यहाँ पर दोस्तों जो आठ नाम थे वो यूनिक थे वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों जो भी डुप्लीकेट नंबर है यहाँ पर दोस्तों मैंने नाम डिलीट किए हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी नंबर डुप्लीकेट है या किसी का नाम है किसी भी सब्जेक्ट में दोस्तों रोल नंबर यहाँ पर डुप्लीकेट है, तो आसानी से आप इस तरह से डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये टिप्स थी दोस्तों कुछ। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो डेफिनेटली दोस्तों मैं कह सकता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो में जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों चैनल आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन तब तक सब्सक्राइब मत कीजिए तब तक आपको पसंद ना आए। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।